सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने कई बातें बतलाई, उनमें से दो बातें हैं। भगवान का परिचय दिया, कैसे हैं वो, करते क्या हैं वो, स्वरूप कैसा है। और जब ये चीज बताई तो भक्त के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हमें उन्हें देखना है, प्राप्त करना है, हमें उनकी शरण में जाना है। प्रेम से कही राधे राधे, हमें उनकी शरण में जाना। तो स्वरूप परिचय बताते हैं, कार्य परिचय बताते हैं, स्वभाव बताते हैं। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंदमय, वो सत्य स्वरूप है, आज हैं, कल भी रहेंगे और वो पहले भी थे, ऐसा वाला सत्य। हम, आप और ये संसार आज जैसा है वैसा कल नहीं रहेगा और पहले वैसा था नहीं। हम, आप जब चले जाएंगे इस धराधाम को त्याग कर, तब भी वो सत्य रूपी परमात्मा विराजमान रहेंगे। चित यानी चेतनता, जैसे हम, आप बोलते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐसे ही चित रूप में परमात्मा बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चेतनता है। और चित रूप में हम सबके भीतर विराजमान भी वो रहते हैं। जैसे कोई बीमार पड़ गया, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने हार्ट देखा, चेक करके, धड़कन तो चल रही है भाई, अभी जीवित है, चेतनता है यानी जीवित है। वो परमात्मा जब तक भीतर है जीवित है, और जैसे ही वो चेतनता गई, डॉक्टर हाथ देखकर बोले अरे नाड़ियां बंद हो गई हैं, धड़कन बंद हो गई, अब ये चले गए, डेड घोषित कर देते हैं, ये मृत हो गए। और वो चेतन रूपी परमात्मा हमारे भीतर है तो हम जीवित हैं। सबके घर में, सबके हृदय रूपी घर में विराजमान होकर के हमें आनंद की अनुभूति कराने वाले चित्त कहते हैं।